कल शाम को हमारा रूटीन नाका लगा हुआ था डीपीओ गेट के बाहर। तो जैसे कि आपको पता है कि ड्रग्स के अगेंस्ट हमने पिछले एक साल से एक मुहिम छेड़ रखी है, एक जंग छेड़ रखी है जो लगातार चल रही है, और बहुत सारे लोग इसमें बुक भी किए हैं और हमने काफ़ी कंट्रोल किया है ड्रग्स पे। तो कल शाम को पाडर की जानब से एक गाड़ी आ रही थी जो कि उसका रूटीन रूट कुलहीद से आता है, लेकिन वो संग्राम बाटा से घूम के आ रही थी। तो हमने नाके पे रोक के चेक करने, हमारी नाका पार्टी ने चेक करने की कोशिश की, तो उससे उसने थोड़ी सी सस्पिशियस मूवमेंट की, जिसको रोक के चेक करने पे पाया गया कि बीच में एक जो पैसेंजर है हरनाम सिंह सनाफ देवीचंद आर ओ चिट्टू पाटर, उसके बैग से उस 565 ग्राम चरस जो है रिकवर हुई है, तो उस मौके पे सीज करी उसके। ये गाड़ी का व्हीकल नंबर है इसका JK 17 0480, और इसको ड्राइवर जो है राम कुमार सनाफ तेग बहादुर आर ओ तुलसी नगर नेपाल एट प्रेजेंट मालीपेट किश्तवाड़ ये रहता था। तो इसने ये गाड़ी लेके रूटीन पैसेंजर व्हीकल है वो लेके पाटर से किश्तवाड़ की तरफ आया था, बट बीच में ये गुलाबगढ़ से ये बैठ के ये जो पैसेंजर है जिसने आपने हरनाम सिंह जिसने ये चर्स अपने पोजेशन में रखी हुई थी, और इसकी मॉडस प्रेंड यही है कि किश्तवाड़ पाटर और रूरल एरिया से ला के किश्तवाड़ में थोड़ी थोड़ी करके ये लोगों को बांट के यंगस्टर्स को स्पाइल करते हैं। इसलिए आप सब लोगों ने किश्तवाड़ में पहले भी तावन किया है कि बहुत सारे ड्रग्स पे कंट्रोल करने में लोगों ने भी पूरा सपोर्ट दिया है, और हमें उम्मीद है कि आगे भी ये लोग चल के हम कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। ड्राइवर पैसेंजर व्हीकल है उसका रोल असरटेन कर रहे हैं, उसको भी हमने डिटेन रखा है और व्हीकल सीज करी है। हम इसका रोल असरटेन करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक जितने भी हैं वो हम असरटेन करेंगे, इसका क्या रोल है और कहाँ से ये आते हैं, और ये रूट जो हमने अभी तक तो हमने यूजर को कंट्रोल किया है और ये जो स्मॉल स्केल सप्लायर हैं उनको बुक हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो इसमें मेन सप्लायर हैं उनकी सप्लाई रूट कट हो और फिर जाके ये जो यूथ है इसको बचाया जा सके। SSP किश्तवाड़ साहब ने एक मुहिम छेड़ रखी है ऑन द डायरेक्शन ऑफ DGP साहब और ADGP साहब के ड्रग्स को सोसाइटी से इरिडिकेट किया जाए, तो उसी के चलते हम ये ऑपरेशन संजीवनी जो हमारे DIG साहब का एक ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है अगेंस्ट द ड्रग्स, उसी के चलते ये हमने ये लगातार चल रहा है और हम ड्रग्स पे कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो। एक हड़ियाल में एक कल सुबह इनफैक्ट वही FIR हमने 75 FIR नंबर 75/222 अंडर सेक्शन 8/22 की NDPS एक्ट दी, वो उसमें एक लड़का जो कैप्सूल सप्लाई करता था वो लेके अपने पोजीशन में रखे हुए थे और नो स्ट्रिप्स कैप्सूल थे 72 कॉन्ट्रोबैंड प्रॉक्सिमल्स पास, तो उनको पकड़ा था पहले, वो ही FIR देके हमने उसको गिरफ्तार किया। सब्सिक्वेंटली शाम को ये FIR नंबर 76/222 अंडर सेक्शन 8/20 NDPS एक्ट देके हमने ये दूसरी रिकवरी की। लगातार हमारी जंग जारी है, नहीं कर सकते किसकी इन्वॉल्वमेंट है, हमने कोशिश की, नहीं है कि जिसमें लोकल दुकानदार ने बेच के सप्लायर को या किसी को यूजर को दी हो, ऐसा अभी तक हमें कोई सबूत मिला नहीं। एनी हो हम इसमें काम कर रहे हैं ताकि कोई भी इस किस्म का लोकल इन्वॉल्व ना हो जिससे ये जो मीनस ऑफ ड्रग्स है इसको रिडिकेट किया जा सके। और हो सक इसमें जो पहले हमने कुछ केस जिसमें एक बंदे को PSA में बुक भी किया है वो अभी जेल में है, हमने और भी मजीद अगर कोई इन्वॉल्व मिलते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि ड्रग्स वालों को भी PSA के इस्तेमाल करके इनको डिटेन किया जाए ताकि ये चीज़ समाज से ख़त्म हो सके। अलबत्त बाहर का इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है, जैसे कश्मीर से कोई सप्लायर है या आउटसाइड स्टेट से, तो उसके ऊपर भी हमारी पुलिस पूरा वर्क कर रही है। GK अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।